महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बना ही रहता है, चाहे व्यवस्था हो, चाहे पैसे मांगने का मसला, या फिर वाहन पार्किंग की बदहाल व्यवस्था हो। प्रदेश में सत्ता बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो बस महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय का अपना लापरवाही पूर्ण रवैया। चिकित्सालय परिसर चारों ओर आवारा मवेशी बेखौफ घूम रहे हैं और सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी यह नजारा देख रहे हैं। चिकित्सालय परिसर में ही जगह जगह भारी गंदगी देखी गई, जहां पर खुलेआम सुअर घूमते देखे जा सकते हैं। मरीजों के परिजन परिसर में ही खाना खा रहे हैं, साथ ही उन्हीं के बाजू में मवेशी और सुअर घूमते देखे जा सकते, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में देवास को 10वां स्थान मिला है, लेकिन महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में यदि नजर घुमाई जाए तो यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस मापदंड के आधार पर देवास को 10वां स्थान दिया गया है, जब जिले का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल ही गंदगी और आवारा मवेशियों से मुक्त नहीं है। तो फिर सारे जिले एवं शहर की बात तो छोड़ दें, वहाँ हर जगह कदम कदम पर मवेशी ऐसे स्वच्छ घूम रहे हैं जैसे किसी खुले चारागाह में विचरण कर रहे हो, और जिम्मेदार हैं कि खुले हम यह सब देख रहे हैं। इन सब मुद्दों पर जब मुख्य चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि मुझे भी अस्पताल प्रबंधन के विषय में काफी जानकारी सुनने को मिली है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सके, साथ ही उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। चिकित्सालय में व्याप्त समस्या एवं डिलीवरी के दौरान पैसे मांगने के सवाल पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि यदि मेरे पास इस विषय में शिकायत आती है तो मैं दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। साथ ही डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि स्टाफ की कमी के कारण भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि खुद जिला चिकित्सालय अव्यवस्था की बीमारी से ग्रसित है, तो यहाँ पर आम जन की बीमारी का इलाज क्या होगा? चिकित्सालय को खुद इलाज की आवश्यकता है, ऐसे में मरीजों का किस तरह इलाज हो पाएगा इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि नए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सी बेलगाम हो चुकी अव्यवस्था को किस तरह पटरी पर ला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सेंट्रल जो हॉस्पिटल है उसमें समस्या है, मैन पावर की भी समस्या है, किंतु एक अच्छा मैनेजर जो होता है जो मिनिमम सोर्सेज मिनिमम आउटसोर्स तो जो उपलब्ध साधन है उनको सपोर्टिव सिंगल सुपरविजन करके अधिक से अधिक कार्य उनसे देंगे, जो भी समस्याएं हैं उन्हें दिक्कत होगी। सर कई बार यहाँ पर देखने में आया जो डिलीवरी के लिए जो महिलाएं आती हैं उनसे कई बार पैसों की मांग की गई है और इसके अंदर पैसे न देने के उसमें कई बार महिलाओं को यहाँ पर जाना पड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, इसमें सुनील सदन से मेरी बात हो रही है और जैसी जैसी शिकायत आएगी उनकी उनकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हम किसी लोगों को पनिश करेंगे तो हम इसे समझ लेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो कमी है मैंने कहा है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मरीज को उसको ठीक से समझे, अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जनता को मरीज आगे कैसे ही चीज हो जाते हैं, तो शब्दों पर ध्यान दें और अच्छे से व्यवहार करेंगे। सर कल भी हमने पूरे जिला चिकित्सालय में राउंड लगाया, कल भी देखा सारे परिसर में जानवर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ तक कि अभी भी सर आपके ऑफिस के ठीक सामने ही बिल्कुल घूम रहे हैं, मतलब कर्मचारी वगैरह देख रहे हैं, तो ये क्या व्यवस्था है? इसमें गाँव कल्चर और इसकी व्यवस्था करेंगे ताकि जानवर पार्किंग एरिया को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं मालूम पड़ा है कि वो हर बार पार्किंग वाले जी तो उसका ठेका साहब मार्च में पूरा हो जाएगा, अभी जब ठेका देंगे तो उस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो ठेकेदार है और व्यवहार अच्छा और शासन भी हिंसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे बिल्डिंग के बाहर भी देखा गया है गंदा पानी बाहर आ रहा है, सारी लाइनें खराब हो चुकी है, नगर निगम से जब झील गुलाबी समुद्र के पीछे बात होती है होगी तो मैं नगर निगम से बात करूँगी। सर आपका शुक्रिया। हाँ डॉक्टर जी आप क्या है? मैं सीएम एच ओ।